फिटनेस चैनल और मैं आज बहुत दिनों के बाद अपने कार में बैठा हुआ हूँ। सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बनाऊँ कि क्यों कार की छोटी छोटी एक्सेसरीज क्यों इम्पोर्टेंट होती है। अभी आप अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं आपको कार में छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो कि आपकी डे टू डे लाइफ में यूज़ होती है और बहुत यूज़फुल होती है, क्योंकि आप एक बार गाड़ी में बैठते हो तो आप कम से कम 20, 30, 10 व्हाटएवर द किलोमीटर्स आप एक बार रन करते हो। बट इन बिटवीन आपको कुछ चीज़ों की ऐसी ज़रूरत होती है जो कि आपको आपकी कनेक्टिविटी और आपकी फ्रिक्वेंसी को अपग्रेड करती रहे और उसको यूटिलाइज करती रहे। अभी जैसे मैं आपको जस्ट बैक कैमरा ऑन करके बताऊंगा कि क्यों कार में छोटी छोटी एक्सेसरीज इंपॉर्टेंट होती है, एक बेसिक कार में क्या क्या एक्सेसरीज इंपॉर्टेंट होती है जो कि आपको डे टू डे लाइफ में यूज होती है। नॉर्मली सारी गाड़ियों में अभी ये स्क्रीन जो टच स्क्रीन होता है ये आने लगा है, जैसे कि अभी फोक्सवैगन में भी मेरी गाड़ी में है ऑलरेडी और अभी बहुत सी गाड़ियों में टच स्क्रीन सिस्टम आने लगा है। बट जिन गाड़ियों में अगर टच स्क्रीन नहीं है या उस तरीके का सिस्टम नहीं है और उनको ड्राइव करते वक्त गूगल मैप की ज़रूरत है या फ़ोन की कनेक्टिविटी की ज़रूरत है या मल्टीमीडिया यूसेज की ज़रूरत है, सो आप स्मूथ फंक्शनिंग के लिए आप ये इस तरीके का कुछ भी एक लगा सकते हैं जो कि ये डिजिटेक से मैंने लिया है और ये डिजिटेक का अच्छा क्वालिटी का है। ये बहुत स्मूथली है और ये आराम से यहाँ पे लग जाता है, यहाँ से ये चिपक जाता है और यहाँ से लग जाता है। इसमें क्या होता है कि आप अपने फ़ोन को अपने फ़ोन के साइज़ के हिसाब से एडजस्ट कर देते हैं, उसको चारों तरफ रोटेट कर देते हैं, ये देखिए इधर उधर, और इसमें आप नॉर्मली अगर अपना फ़ोन इस तरीके से आपने फंसा दिया तो आपका फ़ोन में गूगल मैप और या फ़ोन आपको अटेंड करना है या आपको कोई म्यूज़िक यहाँ से चेंज करना है, तो इन केस अगर आपकी गाड़ी में ये नहीं है तो ये चीज़। अगर दूसरी चीज़ देखें तो आपकी गाड़ी में ये छोटी सी जो चीज़ है ना, ये बहुत काम की चीज़ होती है। बेसिकली इसको बिन बॉक्स बोलते हैं। ये मैंने एडिशनली लिया हुआ है, बेसिकली ये मारुति से मैंने लिया हुआ है क्योंकि फोक्सवैगन में ये आता नहीं था। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज़ है आपकी डे टू डे लाइफ में। तीसरी एक्सेसरीज़ देखा जाए तो इसको ये बोलते हैं, ये फ़ोन का जो चार्जिंग होता है, इससे आप इसको USB चार्जिंग पोर्ट भी बोलते हैं, तो आप इसमें आराम से यहाँ पे 12 वोल्ट का जो सॉकेट दिया होता है उस सॉकेट में इसको डाल के आप आराम से अपने फ़ोन को अपनी और भी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ आप सी टाइप केबल या एप्पल का केबल या नॉर्मल भी केबल यूज़ कर सकते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सेसरीज़ है। ये परफ्यूम भी देखा जाए तो डे टू डे लाइफ में ये भी एक इम्पॉर्टेंट एक्सेसरीज़ मानी जाती है। अगर आपकी गाड़ी में या तो इस तरीके का कुछ गोदरेज एयरवेयर का आप परफ्यूम लगा सकते हो, या तो मैंने तो ये गोदरेज एयर ख़त्म हो गया तो मैंने ये छोटा सा 250 रुपये का लगाया है। दिस इज़ वेरी गुड एंड डिसेंट इन क्वालिटी, ये बहुत ही अच्छा है। इसकी फ्रेगनेंस बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छी इसकी फ्रेगनेंस है। सो एक ये एक्सेसरीज है। उसके बाद एक एक्सेसरीज और छोटी सी दिखाऊँ तो ये अपना टिशू बॉक्स बोलते हैं। नॉर्मली टिशू बॉक्स जो होता है लोग पूरा ही लेके गाड़ी में लगा लेते हैं, बट ये जो टिशू बॉक्स है ना ये एडिशनली मैंने छोटा सा लिया हुआ है और ये डिसेंट होता है। ये आपके जो भी होल्डर यानी कि बॉटल होल्डर होता है उसमें आराम से लग जाता है। तो ये छोटी छोटी कुछ एक्सेसरीज है। एक मैंने ये अलग से लगवाया हुआ था ये भी, बट ये उतना बेसिकली ये जेल पैड बोलते हैं इसको, ये बेसिकली उतना यूज़फुल नहीं रहा जितना मैंने सोचा था क्योंकि इस पर फ़ोन वोन चिपकने का इन्होंने दावा किया था, बट ये प्रोडक्ट फेल गया, 350 रुपये मेरा वेस्ट गया। तो ये छोटी छोटी कुछ एक्सेसरीज़ हैं। होप आप लोगों को ये मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आ रहा होगा और आपने इन्जॉय किया होगा। तो ये बहुत सी ऐसी एक्सेसरीज़ हैं जो लोग यूज़ में लाते हैं, बट मैंने जो बेसिक बिल्कुल बेसिक एक्सेसरीज़ बताई हैं वो आप लोगों के सामने मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए। तब तक टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी। जय हिंद, जय भारत।